हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑप्शंस। और मैं आपका दोस्त राजीव माथुर। और मेरे इस चैनल पे मैं प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, सस्ती और महंगी, सस्ते और महंगे फ्लैट्स भी दिखाता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में आपको जानकारी पहले से मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आप वो मेरा नया वीडियो देख सके। तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है ये एक बिल्डिंग का है, 1 BHK है, छोटा है, ठीक है, 1 BHK है, छोटा फ्लैट है। और इसकी लोकेशंस क्या है और इसके आजू बाजू क्या है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, जो भी है आप पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं सारी इंक्वायरी देता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज एक और एक छोटा सा फ्लैट लेके आया हूँ। ये देखिए, इसका कॉरिडोर है और ये लिफ्ट है, यहाँ पे 2 लिफ्ट हैं, ये देखो, ठीक है। और ये सामने ये बालकनी है, सामने बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ये सब, ये पार्किंग एरिया है। और ये है, ये इधर से ये इधर आए तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये फ्लैट है, यहाँ से ये एंटर हुए, ये हॉल है, छोटा सा ये हॉल है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और ये वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो बिल्डिंग्स हैं। इधर से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये किचन है, किचन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, अच्छा है। ये देखिए मार्बल लगा है, नीचे स्पेस बहुत है सामान वगैरह रखने के लिए। और इधर आप अपना वो बर्तनों का वो भी शेल भी लगा सकते हैं। और इधर ये इधर भी एक स्पेस दिया हुआ है, ये मलाड का फ्लैट है, ये इधर से इधर आए तो ये बेडरूम है, इधर भी स्पेस बनाया हुआ है, यहाँ सामान रख सकते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए है जगह। ये सामने पार्किंग है, बिल्डिंग्स हैं। और ये इधर से ये देखिए ये वॉल है, ये फ्लोरिंग है, ये और ये यहाँ से इतना स्पेस है, ये बेडरूम में खड़े हैं हम लोग। यहाँ से बाहर निकले ये राइट हैंड साइड में आपका किचन, किचन के बाद ये थोड़ा सा चले तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये बाथरूम, थोड़ा स्पेशियस है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये भी काम करा के मिल जाएगा, अभी ऐसे ही रखा हुआ है। और ये इंडियन टॉयलेट है, यहाँ पे वेस्टर्न नहीं है, इस बार इंडियन है, इस टाइप का है। बाथरूम उधर है, टॉयलेट इधर है, थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये आपका ये किचन हो गया, वो बेडरूम हो गया, और इधर से ये हॉल हो गया, ठीक है, उधर से दिखा दिया, अभी इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अच्छा स्पेस है, ऐसा नहीं है कि एक फैमिली आराम से रह सकती है, बहुत प्यार से। सामने वो बेडरूम है, राइट हैंड साइड में टॉयलेट बाथरूम है, लेफ्ट में किचन है और ये हॉल है। तो चीप एंड बेस्ट है, मलाड में है, तो इसके बारे में और भी अभी बता दूंगा मैं, आप देखिए। थैंक यू। ये था 1 BHK फ्लैट मलाड वेस्ट में, एकता नगर के पास में, ठीक है। और इसका जो रेंट है वही 10,000 और 11,000 रुपए के बीच में है। इसका डिपॉजिट जो होता है 35,000 रुपए तक देना पड़ेगा। और इसका ये 1 BHK है, ठीक है। और इसकी जानकारी यह है कि इसके इसमें पार्किंग भी है, आप नीचे अपनी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं, गाड़ी नहीं, ठीक है। और दूसरा, इसके आसपास बहुत सारी लोकेशंस हैं और इसमें कपल्स भी रह सकते हैं और इसमें लड़के भी रह सकते हैं, 2-3 बैचलर लड़के भी रह सकते हैं, 2-3 लड़कियाँ भी रह सकती हैं, फैमिली भी रह सकती है। तो यहाँ पर एक कपल मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चा भी रह सकता है, थोड़ी एक छोटी फैमिली भी रह सकती है। तो इसकी मैंने आपको रेंट भी बता दिया। और जिसको अगर ख़रीदना हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप इसको अपना बैंक के थ्रू ले भी सकते हैं। और आई थिंक वहाँ पे आपको जितना भी पे करना पड़ेगा, जितनी भी आपकी लोन होता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ले सकते हैं। तो वो अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। रेंट पर चाहिए होगा तो भी आप वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और खाली यही फ्लैट नहीं है, और भी इस एरिया में फ्लैट्स हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इस एरिया के आसपास शूटिंग्स बहुत होती हैं, तो अपना जो एक्टर्स वगैरह हैं इस एरिया में बहुत रहते हैं, जो स्ट्रगलर्स होते हैं ना, जो स्टार्टिंग में बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत चीप एंड बेस्ट है।
यहाँ पे दो लड़के तीन लड़के मिलके 4,000-4,000 रुपये दे के 12,000 रुपये में फ्लैट ले लेते हैं और वह रह लेते हैं, ठीक है। वैसे लड़कियाँ भी रह सकती है, अगर कोई नौकरी पेशे वाला आदमी कहीं जॉब करता है किसी कंपनी में तो वो भी यहाँ पे रह सकता है, तो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत अच्छी जगह है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, नीचे मार्केट्स हैं, यहाँ पे दुकानें हैं और बसें मिल जाती हैं, ऑटो नीचे मिल जाता है आपको, और मड है, मड आइलैंड है वहाँ पे, और मतलब ठीक है, अच्छी जगह है, चीप एंड बेस्ट है और अच्छे से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ बैचलर भी रह सकते हैं, लड़के लड़कियाँ और फैमिली भी रह सकती है। और हाँ, मैं एक बार फिर से एक बात और बोलूँगा आपको, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी तुरंत, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे बना बना कर आप लोगों के लिए डालता रहूँ और आपके काम आए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और थैंक यू वेरी मच मेरा ये व्लॉग देखने के लिए। तो वेट कीजिए अगले व्लॉग के लिए, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।